चंद्रयान 3 लॉन्च करने के बाद इसरो एक के बाद एक नए कीर्तिमान रचने के लिए तत्पर है। इसी कड़ी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रविवार को PSLV लॉन्च कर 6 और सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा है। इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए सिंगापुर के 6 सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया है। इस खास मौके पर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने इसरो के नेक्स्ट गोल यानी कि अगले लक्ष्य को शेयर किया है और बताया है कि अगले कुछ ही महीनों में इसरो GSLV लॉन्च सहित कई रोमांचक मिशनों को अंजाम देने वाला है। इसरो ने अपना टाइम टेबल तैयार कर लिया है और बस एक के बाद एक अपने मिशनों को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गया है। इसरो के महत्वपूर्ण मिशनों के बारे में बात करते हुए चेयरमैन सोमनाथ ने भविष्य के लॉन्च अभियानों की जानकारी दी है। चेयरमैन सोमनाथ के अनुसार इसरो अगस्त के महीने या सितंबर की शुरुआत में एक और PSLV मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इस PSLV लॉन्चिंग के जरिए इसरो अपने सबसे महत्वपूर्ण मिशन में से एक गगनयान का भी परीक्षण करेगा। इसरो का गगनयान परीक्षण वाहन तैयार हो रहा है, वर्तमान में इसे असेंबल किया जा रहा है और जल्द ही PSLV लॉन्चिंग के जरिए गगनयान मिशन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि गगनयान मिशन इसरो के भावी मिशन में एक है। गगनयान इसरो के 3 अंतरिक्ष मिशन का एक ग्रुप है। इसमें 2 अभियान मानव रहित है जबकि तीसरे में मानव को भी अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। गगनयान मिशन के तहत इसरो 3 सदस्यों का एक दल 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजेगा। इसरो की योजना पृथ्वी के सबसे लोअर ऑर्बिट में मानव यान भेजने की है। अंतरिक्ष विभाग के सचिव सोमनाथ ने भविष्य के प्रक्षेपणों के बारे में बताया है कि इसरो अपने तीसरे विकासात्मक मिशन INSAT-3DS को लॉन्च करेगा। INSAT-3DS की लॉन्चिंग के लिए SSLV के साथ साथ GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की योजना बनाई जा रही है। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ये भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान अंतरिक्ष में उपग्रह के प्रक्षेपण में सहायक यान है। GSLV का इस्तेमाल अब तक 12 लॉन्च में किया जा चुका है। ये यान उपग्रह को पृथ्वी की भूस्थिर कक्षा में स्थापित करने में मदद करता है। आपको बता दें कि PSLV इसरो द्वारा विकसित किया गया 6ठा लॉन्च व्हीकल है और अगस्त 2022 के साथ इस साल फरवरी में भी इसकी 2 सफलतापूर्वक उड़ानें हो चुकी हैं। इसरो के अगले लक्ष्य गगनयान मिशन को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।